वैसे तो एनर्जी के बहुत से रूप हैं, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी यही है वो जिसके बारे में अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, दो तरह की। एक होती है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी है जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा और इसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। अब मैं इनको आगे से अब पीई और के से रिप्रेजेंट करूँगा। जब किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी होती है तो इसका अर्थ ये है कि वो ऑब्जेक्ट या तो भागना चाहता है या फिर वो घूमना चाहता है। अगर वो वस्तु भागना चाहती है तो हम बोलते हैं कि उसमें है लीनियर पोटेंशियल एनर्जी, रैखिक स्थितिज ऊर्जा। और अगर वो वस्तु घूमना चाहती है तो हम कहते हैं उसमें है रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, घूर्णन स्थितिज ऊर्जा। उसी तरह जब किसी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट पहले से ही भाग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट पहले से ही भाग रहा है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि उसके अंदर है लीनियर काइनेटिक एनर्जी, या फिर वो ऑब्जेक्ट पहले से ही घूम रहा है, जैसे पंखा घूमता रहता है, तो हम उसके बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसे में अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना लगे, तो एक छोटा सा रूल लगता है, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। इसका अर्थ ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो हमेशा सेम रहेगी, उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। यानी पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो सकती है, काइनेटिक की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन जो दोनों का टोटल है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर पोटेंशियल और काइनेटिक के अलावा भी कोई और एनर्जी की फॉर्म मान लो बीच में इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे साउंड, लाइट, हीट एट्सेट्रा, तब अगर पोटेंशियल घटती है तो काइनेटिक बढ़ जाएगी। यानी जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और वैसे ही अगर काइनेटिक कम होगी, यानी अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, उस टाइम पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में तभी मानी जाती है जब उसकी स्पीड जीरो हो। अब याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्जेक्ट की सिर्फ स्पीड से आ सकती है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड से ही बन सकती है, चाहे वो भागने की स्पीड हो या घूमने की स्पीड हो, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत तरीके से आ सकती है, तो इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। जब भी जहाँ भी कोई फोर्स होगा, किसी भी तरह का फोर्स हो, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो जाएगी। जैसे अगर ग्रेविटी का फोर्स होगा तो हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स होगा तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसी तरह से अगर स्प्रिंग का फोर्स है तो हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वगैरह वगैरह। तो तरह तरह के फोर्सेज होंगे तो तरह तरह की उनके साथ पोटेंशियल एनर्जीज एसोसिएटेड होंगी। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे किसी चलते हुए पंखे पे, ये मान लीजिए आपका पंखा है, ये पंखे की तीन पंखुड़ियाँ हैं। अब इस चलते हुए पंखे पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि पंखा घूम रहा है, पर उसके ऊपर लीनियर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती क्योंकि पंखा कहीं भाग कर नहीं जा रहा, वो जहाँ है वहीं रहेगा ना। ऐसे ही मान लो एग्जाम्पल चेंज, जब कोई कार चलती है, ये कार है आगे भाग रही है, तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं उन पैसेंजर्स में लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो लोग कार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती क्योंकि वो पैसेंजर बैठे बैठे घूम नहीं रहे हैं। नंबर 3, अब जो कार के टायर्स हैं, ये टायर हैं, इस टायर में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होती है, इसमें दोनों होती हैं, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसलिए है क्योंकि टायर घूम रहा है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी इसलिए है क्योंकि टायर आगे बढ़ रहा है, तो इसमें दोनों तरह की एनर्जीज होंगी। उसके बाद अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई पत्थर ऊपर फेंका,
ये आप है, आपके हाथ में पत्थर है, पत्थर ऊपर फेंका तो पहले तो उसकी हाइट बढ़ती है यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और उसकी स्पीड कम होती है यानी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जब वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर जा चुका होगा मैक्सिमम हाइट पर, तब उसमें उस मैक्सिमम हाइट पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो होगी मैक्सिमम और उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी ज़ीरो। जब वो पत्थर वापस नीचे आने की कोशिश करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी यानी काइनेटिक एनर्जी फिर से इंक्रीज करेगी और उसकी हाइट कम होती चली जाएगी यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी। तो ये सारी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इस पत्थर में जो भी थी वो लीनियर टाइप की थी। और अगला लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई खिलौना है, उस खिलौने में आपने चाबी भर दी, तो इस चाबी को जब आप गोल गोल घुमा के छोड़ देते हैं तो उस खिलौने के अंदर स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग में रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी क्योंकि स्प्रिंग वापस घूमकर खुलना चाहता है। जब तक आपने उसे पकड़ा हुआ है तब तक वो घूम नहीं पाएगा और उसमें रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देंगे उसकी रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू कर देगी। ये एनर्जी इस एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई है, तो एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी है यानी स्पीड उस खिलौने की बढ़ती चली जाएगी और उसमें जो स्पीड बढ़ने की संभावना है अब वो पहले से कम हो जाएगी। नंबर सिक्स, मान लीजिए किसी ढलान के ऊपर कोई बॉक्स और एक बॉल दोनों नीचे आ रहे हैं। अब बॉल तो रोल होके नीचे आएगी, बॉक्स स्लाइड करके नीचे आएगा। तो अगर इस ढलान पर किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है यानी पोटेंशियल और काइनेटिक के अलावा कोई और दूसरी टाइप की एनर्जी इन्वॉल्व ना हो, मतलब उसमें एनर्जी वेस्ट अगर ना हो, तो ऐसे में बॉक्स ज़्यादा स्पीड से नीचे आएगा, बॉल कम स्पीड से नीचे आएगी। इसका रीज़न ये है कि बॉक्स की तो पूरी की पूरी एनर्जी, जितनी भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, वो सारी की सारी लीनियर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन इस बॉल में जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दो तरह की एनर्जीज में उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, तो डिवाइड हो जाएगी, थोड़ी बहुत बटेगी कि थोड़ा सा लीनियर थोड़ा सा काइनेटिक रोटेशनल। नीचे जो लाती है वो लीनियर लेकर आती है, लीनियर उस बॉल में होगी कम, तो इसका मतलब वो देर में आएगी। तो इसमें मैं रूल ऐसे बना सकता हूँ कि बॉक्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑन द टॉप इज इक्वल टू लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑन द बॉटम। ठीक वैसे ही बॉल के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑन द टॉप इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑन द बॉटम। तो उसकी एनर्जी एक्चुअली दो हिस्सों में बटी है, इसलिए उसको आगे भागने की स्पीड कम मिली है, तो बॉल एक्चुअली पीछे रह जाएगी। अभी ध्यान रखना कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम नेगेटिव होगी जब अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हों, तो जब जो फोर्सेस हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब भी होगा तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाएगी, और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव उस समय होगी जब उनके बीच में लगने वाला फोर्स एक दूसरे को धक्का मारने वाला होगा, द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो उस समय ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक प्रोटॉन है और एक दूसरा प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी। वहीं ये धरती है, ये चांद है, तो धरती इसको खींचेगी, ये अट्रैक्शन का फोर्स है, तो अर्थ और मून के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होगी क्योंकि ये अट्रैक्शन का फोर्स है। ये भी याद रखना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी की एक्चुअल में कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 50 जूल कहाँ है, 25 जूल कहाँ है, एक्चुअल में जो वैल्यूज़ है ना ये फिक्स नहीं होती हैं। रियलिटी में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने उसकी वैल्यू को ज़ीरो कहाँ माना है। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, एक फॉर्मूला हम लगा देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम एप्लीकेबल होगा जब आप किसी पत्थर को मान लीजिए ऊपर फेंक रहे हैं और उस पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है। ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब ग्राउंड लेवल के ऊपर हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को ज़ीरो माना हुआ है।
और वो जीरो वहाँ होती है या नहीं होती, एक्चुअली मीन्स के बारे में कोई कंसेंसस नहीं हो सकता। ये जीरो कहाँ लें वो आपकी अपनी इच्छा होती है। तो ये एमजीएच सिर्फ तब चलेगा जब ग्राउंड लेवल पे जीरो मानोगे। जैसे मान लीजिए मैं एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और ले लेता हूँ, ये है माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये उस टाइम पे चलता है जब ये जो डिस्टेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा हों, जैसे धरती है और ये कोई सेटेलाइट है। अब धरती और सेटेलाइट के बीच में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ तो मुझे ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर। और जैसे मान लीजिए ये धरती है और ये कोई ऑब्जेक्ट है ऊंचाई पर, जो ऊंचाई अर्थ के रेडियस के कंपेरेटिवली काफ़ी छोटी है, तो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच चल जाएगा। लेकिन ये चलेगा सिर्फ तब जब आप ग्राउंड लेवल के ऊपर जीरो मान लोगे। ये चलेगा तब जब आपने इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रखी है। तो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज जीरो। तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कितनी है वो फिक्स नहीं है। ये पोटेंशियल एनर्जी के और भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले चलते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब लीनियर काइनेटिक एनर्जी, इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ एम उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसको हम किलोग्राम में नापते हैं, और ये वी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, इसको हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं। तो ये किलोग्राम में, वो मीटर पर सेकंड में। अब हालांकि वेलोसिटी बेशक वेक्टर होती है, पर काइनेटिक एनर्जी खुद इवेंचुअली स्केलर बन जाएगी। वेलोसिटी तो वेक्टर है लेकिन काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे मान सकते हैं कि ये वी स्क्वायर है, यानी ये वी ए मल्टीप्लाई बाय वी है, पर एक्चुअल में इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, आप ऐसे मान सकते हो। तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाउएवर द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका तो ये इकलौता ही फॉर्मूला था। काइनेटिक एनर्जी के स्केलर होने का एक फायदा तो यही है कि चाहे ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड हो या 5 मीटर पर सेकेंड से बैकवर्ड हो, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। लेकिन मोमेंटम के केस में ऐसा नहीं है, उसमें तो अगर सिर्फ डायरेक्शन भी बदल जाए तो हम मोमेंटम को सेम नहीं मान सकते, और यही कहते हैं कि मोमेंटम चेंज हो चुका है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही अपनी अपनी जगह फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद बात करते हैं एक अगले टॉपिक की, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। अभी तक जो मैंने आपको ऊपर यहाँ टाइप्स ऑफ एनर्जी बताई वो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी बताई हैं, उसके अलावा भी एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनको मैं अब इस टॉपिक में डिस्कस करूँगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। देखिए, एनर्जी के इतने सारे रूप हैं। अब एनर्जी अपने इन्हीं फॉर्म्स में, जो भी इसके खूब सारे टाइप्स अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा, उन्हीं फॉर्म्स में कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहती है। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट ही बनी रहेगी। एनर्जी को ना बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, ये सिर्फ अपने रूप बदलती रहती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एनर्जी के दो रूप इंट्रोड्यूस कर ही रहा हूँ। नंबर वन, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे बॉल है, ये चुपचाप रेस्ट पर है, इस बॉल में एनर्जी है मान लो 50 जूल, और यही बॉल अगर मूव हो रही होती तो इसमें मान लीजिए एनर्जी होती 53 जूल। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तुलना में मूविंग ऑब्जेक्ट ज़्यादा एनर्जी लेकर बैठा होता है। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई 3 जूल, ये उसके मोशन की वजह से आई है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी इज ओनली ड्यू टू मोशन। इसके लिए फॉर्मूला हमारा ये होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर फॉर लीनियर मोशन, और आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल मोशन के लिए होता है, पर रोटेशनल वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे के ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम जूल में नापेंगे। एम है ऑब्जेक्ट का वजन, इसको हम किलोग्राम में नापेंगे। और वी है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापेंगे। मीटर पर सेकंड में, तो स्क्वायर उसके बाद वी स्क्वायर का है। अब दूसरी एक एनर्जी की टाइप यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई ऑब्जेक्ट छूटते ही भागना चाहे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और वस्तु उस दिशा में भागती है, उसके भागने की डायरेक्शन वो होती है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो,
उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भागना चाहेगा। अब अभी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ इन्हीं दो टाइप की एनर्जी से समझ लेते हैं, बाकी जो और एक्स्ट्रा टाइप्स होंगे वो थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करूँगा मैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के निकट किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो गिरते हुए उसकी स्पीड बढ़ती है, इससे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट धरती के सरफेस से कितना दूर है। तो इसका हमारा फॉर्मूला था PE = mgh, जहाँ पर जी का मतलब है ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली ग्रेविटी, जिसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते हैं। एच का मतलब है अर्थ के सरफेस से वो कितना ऊपर है, उसको हम मीटर में नापते हैं। अब इस फॉर्मूला में आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। हाइट ज़ीरो होने से, यानी ऑब्जेक्ट मान लो ज़मीन को टच कर जाए, तो हाइट ज़ीरो होने से पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। ऑब्जेक्ट के नीचे गिरने से पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा, काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये दोनों का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि 5 किलो का एक ऑब्जेक्ट है 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग से छोड़ दिया, तो वो ज़मीन पर कितनी स्पीड से आके टकराएगा। तो ये है ज़मीन, ये है बिल्डिंग की ऊंचाई, और यहाँ से पत्थर छोड़ दिया, पत्थर का वज़न है 5 किलोग्राम, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है मान लीजिए 20 मीटर। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी टॉप में प्लस काइनेटिक एनर्जी टॉप में कुछ होगी, पोटेंशियल एनर्जी बॉटम में प्लस काइनेटिक एनर्जी बॉटम में कुछ होगी, ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का टोटल कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो अब लगाते हैं फॉर्मूले। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है mgh1, ऊपर की हाइट, प्लस हाफ mv1 square, ये v1 का मतलब यहाँ ऊपर उसकी स्पीड। नीचे है mgh2, बॉटम में उसकी हाइट, प्लस हाफ mv square, ये v2 का मतलब है नीचे बॉटम में उसकी क्या स्पीड है, तो ज़मीन पर कितनी स्पीड से टकराया। अब देखो भाई, mgh1, इस h1 की वैल्यू तो 20 मीटर है, स्टार्टिंग में वो 20 मीटर की हाइट पे है। जी मान लीजिए उसके ऊपर 10 की ग्रेविटी है, m 5 किलोग्राम है। अभी मैं उस m की वैल्यू डाल नहीं रहा, अभी एक बार मैं इस इक्वेशन को ऐसे ही कर देता हूँ, mgh1 प्लस हाफ mv1 square इज इक्वल टू mgh2 प्लस हाफ mv2 square। अभी m, अब 5 किलो रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली तो कटने वाला है, मतलब ये 5 किलो की बजाय 6 किलो होता तो भी अपनी कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब डब्बा कितने वजन का है उससे तो उसकी स्पीड डिसाइड नहीं होती, यानी हल्की चीज़ हो चाहे भारी चीज़ हो, ज़मीन पर गिरेगी सेम स्पीड से, क्योंकि mm कट गए हैं। अब जी की वैल्यू डाल देता हूँ, जी 10 और h1 20, तो ये बन गया 200 जूल की, तो यहाँ पे प्लस, मतलब ये m भी था वो उड़ गया, प्लस v1 का स्क्वायर, स्टार्टिंग में वो जीरो स्पीड से है भाई, शुरुआत में जब उसे छोड़ा था तब उसकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड, तो कुछ भी नहीं आएगा इसका। h2 यानी बॉटम में उसकी हाइट क्या है, जब वो पहुंच ही गया तो ज़मीन से हाइट क्या होगी, जीरो, तो ये आंसर आएगा जीरो, प्लस v2 square divided by 2, तो अपना आंसर होगा 200 × 2 = v2 squared, तो 400 = v2 squared, तो v2 = 20 meter per second, ये एक अपना इसका आंसर आ गया। अब एक चीज़ पे ध्यान दे, एक छोटा सा नोट मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट का वज़न बदल भी दिया जाए तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो फाइनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के द्रव्यमान से उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जो अंतिम उसका वेग बनेगा, वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन, अगर उसी ऑब्जेक्ट को मान लो जीरो की बजाय 2 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया होता तो फिर फाइनल स्पीड क्या बनती, कि स्टार्टिंग में उसकी स्पीड ही 2 है, तो ये ज़मीन है, ये ऊंची बिल्डिंग है, यहाँ से पत्थर लिया नीचे फेंका 2 मीटर पर सेकंड से,
तो अब ज़मीन पर वो कितनी स्पीड से गिरेगा। तो फिर से रूल वही है, पोटेंशियल यहाँ का प्लस काइनेटिक यहाँ का इज इक्वल टू पोटेंशियल यहाँ का प्लस काइनेटिक यहाँ का। तो वहाँ का पोटेंशियल MgH यानी 5 किलो की चीज़ है, 10 की ग्रेविटी है और 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग से फेंकी गई है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू 5 किलो की चीज़ है इंटू वी स्क्वायर मतलब 4, क्योंकि 2 की उसकी स्पीड है तो यहाँ पर उसका 4 इज इक्वल टू यहाँ का MgH। तो यहाँ का MgH तो 0 ही बनेगा, प्लस यहाँ का हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमें V की वैल्यू निकालनी है। पूरा सॉल्व अगर करोगे तो V आ जाएगा आपका शायद 404 का अंडर रूट। ये पहले से मैंने सॉल्व कर रखा है, आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मीटर पर सेकंड सॉल्व कर लेना, लेकिन ये एटलीस्ट अंडर रूट 400 नहीं है। पहले हमारा आंसर अंडर रूट 400 था, अब अंडर रूट 404 है, क्योंकि थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा हो गई है उस 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड की वजह से, तो अपना आंसर थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब वो ज़मीन पर ज़्यादा स्पीड से टकराएगा, शायद वो 20.1 मीटर पर सेकंड से टकराए। अब वहाँ वो टकराया था 20 की स्पीड से, यहाँ टकराया 20.1 की स्पीड से, तो स्टार्टिंग स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो ज़मीन पर टकराने की फाइनल स्पीड भी ज़्यादा होगी, और ऑब्जेक्ट के वजन पे यहाँ भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 5 5 अभी भी कटेंगे तो ऑब्जेक्ट के वजन से फ़र्क नहीं पड़ता। अब पी का जो फॉर्मूला अभी तक हमने डिस्कस किया है, उसके अलावा भी कुछ और फॉर्मूले होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं, अब वो हर सिचुएशन में अलग अलग लगते हैं। इससे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो SSC ने पूछा हुआ है। तो SSC ने क्वेश्चन पूछा था 2011 में, वो बोले कि एक पत्थर है, उसको एक छत से छोड़ दिया गया, वो ग्राउंड की तरफ भाग लिया पत्थर, तो उस पत्थर की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस समय होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी उस पत्थर की। तो ऑप्शन था पहला कि जैसे ही आप छोड़ोगे तुरंत उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ये गलत है, उस टाइम पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन था कि जब वो बीच में होगा, यानी यहाँ से छोड़ा यहाँ तक गिरा, बीच में जिस पर जब वो हाफ वे होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ होगी ना मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पोटेंशियल मिनिमम हो, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत। थर्ड ऑप्शन, ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले, यानी वो आया और ये ग्राउंड को बस छुआ ही है, उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये सही आंसर है, क्योंकि टच करने के अब अगर और 2 सेकंड बाद का वेट करोगे तो फिर टकरा के वो रुक चुका होगा। लास्ट है जब वो ग्राउंड को टच कर जाएगा, टच करने के बाद जब रुकेगा, ये गलत है, टच करने से जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये अपना आंसर सी वो सही है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जो हम पोटेंशियल एनर्जी के और दूसरे फॉर्मूले कुछ डिस्कस करने वाले थे जो हर कंडीशन में अलग अलग होते हैं, वो देखते हैं। एक तो है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। जब धरती के नज़दीक था तब तो फॉर्मूला ये है MgH, अब धरती से काफ़ी दूर जा चुका है तो फॉर्मूला ये होगा -GmmR। एक तो सबसे पहला आपका ध्यान इस बात पर गया होगा कि ये माइनस है, इसको अब डिस्कस करेंगे माइनस कैसे है और ये बाकी टर्म्स क्या हैं। तो एक तो पहली बात, ये जी क्या है, इस जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पूरा बोले तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू है 6.67408 गुणा में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर केजी स्क्वायर्ड, ये इसकी यूनिट्स हैं। एनीवे, तो आगे देखते हैं, अगला है एम, तो एम है यहाँ पर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वस्तु धरती से दूर गई है उस वस्तु का वजन, तो 1 किलोग्राम में नापेंगे। फिर इसमें एक बड़ा एम, ये वाला पहले वाला, ये है इस कंडीशन में द मास ऑफ अर्थ। अभी धरती की जगह कोई दूसरा हेवनली ऑब्जेक्ट होता तो उसका मास ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की ग्रेविटी लग रही है तो अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो वजन ये अर्थ का लिया जाएगा। अगर मान लीजिए उसके ऊपर मेजोरिटी में ग्रेविटी सपोज मंगल की लग रही होती तो फिर ये वजन मंगल का लिया जाता। फिर ये आर है डिस्टेंस, ये आर रेडियस मत बोल देना, ये रेडियस नहीं है डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ, धरती के सेंटर तक का डिस्टेंस। तो
वस्तु का सेंटर धरती के सेंटर से कितना दूर है। अब यहाँ पी ई नेगेटिव है, पी ई इज नेगेटिव, और अगर मान लीजिए आर बढ़ बढ़कर इनफाइनाइट हो जाए तब ये पी ई नेगेटिव से बढ़ बढ़कर ज़ीरो बन जाएगी। नेगेटिव से बढ़ के कहाँ जाएगी, ज़ीरो बनेगी। इसका मतलब आर जब बढ़ेगा तो ये पी ई बढ़ेगा, आर घटेगा तो पी ई घटेगा, क्योंकि ये माइनस साइन है जो इन चीज़ों को संभाल रहे हैं, यहाँ पे माइनस रेगुलेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली होना तो ये चाहिए था, अगर ये माइनस नहीं होता ना तो डिस्टेंस ज़्यादा होने से पोटेंशियल एनर्जी कम, मैं ऐसे बोलता, पर चूंकि ये माइनस है ये वैल्यू नेगेटिव से कम हो रही है तो एक्चुअल में वो बढ़ रही है। इसके बाद अगला देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो कैसे भी हो सकता है। तो मान लीजिए किसी एक का चार्ज है कैपिटल क्यू, दूसरे का चार्ज है स्मॉल क्यू, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बनेगी के क्यू क्यू अपॉन आर, जहाँ पर क्यू वन, ये कैपिटल जो क्यू जो है इसमें, इसका मतलब है पहले पार्टिकल के ऊपर चार्ज, छोटा क्यू है इसका मतलब है दूसरे पार्टिकल के ऊपर चार्ज, तो चार्ज ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ आर का मतलब यहाँ भी है इनके बीच में कितना डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, और के का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हिंदी में विद्युत स्थैतिकीय स्थिरांक। तो ऐसे में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की एक अपनी वैल्यू होती है जो अप्रोक्सीमेटली 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ये होगी। एनीवे, फिर है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, किसी खींचे हुए स्प्रिंग की एनर्जी, या फिर कंप्रेस्ड स्ट्रिंग, पिचकाए हुए स्प्रिंग की एनर्जी। तो मान लीजिए ये ज़मीन है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पे एक नॉर्मल स्प्रिंग है, ये ना पिचका हुआ है ना खींचा हुआ है, और स्प्रिंग के ऊपर मान लीजिए कि मैंने ट्रॉली बांधी, किसी छोटे बच्चे का खिलौना लगा दिया, उसके अंदर हमने रेत भर दिया, तो ये ट्रॉली फिलहाल जहाँ पर है ये कहलाएगी x इक्वल टू जीरो की पोजीशन। x इक्वल टू जीरो वहाँ लेते हैं जहाँ पे स्प्रिंग के ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं। अब आपने ज़बरदस्ती इस स्प्रिंग को खींच कर लंबा कर दिया, तो ये है ट्रॉली की नई पोजीशन। तो अब ये पोजीशन ये है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एक्सटेंशन दिया गया ये कहलाएगा x। तो x इज़ नॉट द कम्प्लीट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, पूरी स्प्रिंग की लेंथ ये नहीं है, पूरी स्प्रिंग की लेंथ कुछ ज़्यादा है, कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पहले से ही कुछ डिस्टेंस था 5 मीटर 6 मीटर, लेकिन हमें वो नहीं देखना, तो हमें देखना सिर्फ एक्सटेंशन कितना हुआ या कंप्रेशन कितना हुआ, पिचकाया तो कितना पिचकाया, खींचा तो कितना एक्स्ट्रा लेंथ उसकी चेंज हुई। तो एक बार अगर आपको ये एक्स पता चल गया तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वेर्ड, जहाँ पर एक्स है एक्सटेंशन कितना आपने खींचा, के के को यहाँ हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का स्थिरांक। ये के वो ऊपर वाला के नहीं है, ये अलग है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो के तो जैसे यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, ये के एक्चुअली डिपेंड करता है स्प्रिंग टू स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग आपका बहुत ही कमज़ोर है, लिख देता हूँ, अगर आपका कमज़ोर स्प्रिंग है इसका मतलब ये होगा कि के की वैल्यू काफ़ी कम है, लेकिन अगर मान लीजिए वो एक स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग है तो ऐसे में के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा के उतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे, किसी एक खींचे हुए स्प्रिंग को जब छोड़ा जाता है तो मान लीजिए उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, तो आपने उस स्प्रिंग को यहाँ से छोड़ा, छोड़ते ही उसकी स्पीड बढ़ने लगी, मीन पोजीशन तक पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, मैं ये जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये स्प्रिंग का था x इक्वल टू ज़ीरो और आपने x यहाँ से उसको छोड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक
आने में वो अपनी स्पीड कितनी बढ़ा लेगा, ये क्वेश्चन है। तुम्हारा आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है, एंड काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट मीन पॉइंट कहलाता है। तो पोटेंशियल एट एक्सट्रीम प्लस काइनेटिक एट एक्सट्रीम इज इक्वल टू काइनेटिक एट मीन प्लस पोटेंशियल एट मीन। मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल है और मीन पर जो काइनेटिक, उनका टोटल उतना ही होगा जितना एक्सट्रीम पर पोटेंशियल है और एक्सट्रीम पर काइनेटिक। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। एक्चुअली मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे और वो भाग ले। तो एक्सट्रीम पर तो पोटेंशियल है क्योंकि छोड़ते ही भागेगा, सेंटर पे उस स्प्रिंग को पकड़ के अगर छोड़ोगे भी तो भी वो भागेगा थोड़ी। तो मीन यहाँ पर जीरो प्लस काइनेटिक यहाँ पर है हाफ एम वी स्क्वायर्ड, ये वी की वैल्यू हमें निकालनी है। इज इक्वल टू पोटेंशियल एट एक्सट्रीम, इसका फॉर्मूला बताया था हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है मतलब कितना एक्सटेंशन उसको दिया हुआ है, और काइनेटिक एट एक्सट्रीम। अब इस पॉइंट पे आपने जब छोड़ा था तब उसकी स्पीड जीरो थी, तो काइनेटिक यहाँ पर जीरो होगा। तो अब ये सॉल्व करना है, बस हाफ से हाफ गया, तो यहाँ पर वी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू के एक्स अपॉन एम, वी इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट के बाई एम। तो ये होगी उसकी स्पीड एट द मीन पोजिशन। अब ऐसे में एक प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन पूछा था कि किसी स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इज, वो कौन सी होती है। तो स्प्रिंग में आपने वही है कि पिचकाया और छोड़ दिया, तो छोड़ते उस टाइम पे उसमें कौन सी एनर्जी होती है। ऑप्शंस था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो इसमें आपका आंसर रहेगा पोटेंशियल एनर्जी होती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अब हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो वी का जो फॉर्मूला है इसमें एम नहीं है, मतलब एम सॉरी मौजूद है। तो एम अगर है इस एम से फर्क पड़ेगा, इसका मतलब अगर ये वजन होगा ज़्यादा तो इस स्प्रिंग की स्पीड होगी कम, और अगर ये वजन होगा कम तो इसकी स्पीड होगी ज़्यादा। तो जैसे ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी अगर हम ज़्यादा भर दें इसका मतलब इसका वजन बढ़ा दिया, तो इसका वजन बढ़ाने से इसकी स्पीड घटेगी, तो ये कम स्पीड से मूव करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट है तो उस सैटेलाइट में जितनी भी मैकेनिकल एनर्जीज हैं पोटेंशियल और काइनेटिक, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं तो डिस्कशन करते हैं। भाई पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी लगेगी वो MgH तो नहीं लगा सकते, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की हाइट अच्छी खासी है, उसमें लगेगी -gmm/r, जहाँ पर ये m है धरती का वजन और ये m है सैटेलाइट का वजन। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ एम वीओ का स्क्वायर, जहाँ पर वीओ का मतलब है स्पीड ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट जिस स्पीड से भाग रही है। इसको हम एक नाम दे देते हैं, वीओ को बोला जाता है ऑर्बिटल स्पीड। ओके तो ऑर्बिटल स्पीड वी ओ। एनीवे तब ये दो हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर वी ओ की जो वैल्यू होती है उसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, सेटेलाइट की स्पीड आगे मैं पढ़ाऊँगा, वो होती है gm/r। तो अब इस सेटेलाइट की दो हमारे पास एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला इतना ही है, कुछ और एक्स्ट्रा इसमें कुछ है नहीं पढ़ाने को, काइनेटिक एनर्जी जहाँ पर वी ओ की और वैल्यू अभी डालनी बाकी है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी ओ का स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए तो अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो gm/r। तो काइनेटिक एनर्जी को सुधार कर लिख देता हूँ, हाफ gmm/r, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो अब मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी सेटेलाइट की कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी, पोटेंशियल और काइनेटिक का टोटल। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ gmm/r और पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r। तो मैं gmm/r कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा 1/2 -1/1। इसका मतलब आपका आंसर आएगा फाइनल नेगेटिव, -1/2 gmm/r, लेकिन आंसर हमेशा अब नेगेटिव ही रहेगा,
कुछ भी वैल्यू डाल लो, आंसर नेगेटिव ही रहने वाला है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी ने एक बार पूछा था कि किसी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कैसी होती है। ऑप्शंस थे मोर देन जीरो, लेस देन जीरो, इस तरह से ऑप्शंस थे। तो लेस देन जीरो हमारा आंसर होगा क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव ही है। उसके बाद अब बात करते हैं उन एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म्स की जो मैंने आपको पीछे वादा किया था कि अब यहाँ बताऊंगा। टाइप्स ऑफ एनर्जी में पूरा नहीं बताया था, अब वो यहाँ एक्स्ट्रा और एनर्जी की कुछ फॉर्म्स का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नंबर वन, सबसे पहले वो कर लेते हैं जो हम खत्म कर चुके हैं, मैकेनिकल एनर्जी। हिंदी में इसे हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, और ये पोटेंशियल और काइनेटिक का टोटल होता है। इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। मूवमेंट में है तो काइनेटिक, मूवमेंट में आना चाहती है तो पोटेंशियल। नंबर टू, विंड एनर्जी, वायु ऊर्जा। हवा चलती है, उस हवा से जो भी एनर्जी मिलेगी वो होगी विंड एनर्जी। तो एक्चुअली ये काइनेटिक एनर्जी का ही एक रूप है, क्योंकि मोशन से जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो विंड एनर्जी इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नंबर थ्री, हाइड्रो पावर एनर्जी। हाइड्रो पावर होती है जैसे बांध है और उसमें ऊपर से पानी गिर रहा है और नीचे आपने टरबाइन लगा रखे हैं, और फिर टरबाइन गोल गोल घूमेंगे और उससे आप बिजली बनाओगे। तो जो ऊपर से पानी गिर रहा है इसमें जो एनर्जी है ये हाइड्रो पावर एनर्जी कहलाती है। तो बांध पर ऊंचाई से रोके हुए पानी से का एनर्जी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का ही एक दूसरा रूप है। तो हाइड्रो पावर एनर्जी इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगला इसमें है साउंड एनर्जी, ध्वनि की ऊर्जा। अब जो भी चीज़ आवाज़ पैदा करती है इसका मतलब वो अपनी एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो साउंड एनर्जी एक्चुअल में मैकेनिकल एनर्जी का एक रूप है, मैकेनिकल एनर्जी का। इसका मतलब इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होते हैं। तो एक्चुअल में साउंड एनर्जी कोई अलग स्पेशल एनर्जी की टाइप नहीं है, वो पोटेंशियल और काइनेटिक का ही आपस में अदला बदली होती रहती है और वो साउंड एनर्जी कहलाती है। नंबर फाइव, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। जब बिजली की तारों में करंट चलता हो तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करती है, आप ऐसे मान लो। जब ये एनर्जी खत्म हो जाएगी तो करंट चलना बंद हो जाएगा। वैसे ही दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स की वजह से भी एक एनर्जी होती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। ये भी पोटेंशियल एनर्जी का एक रूप होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। कैपेसिटर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नाम का एक टॉपिक आएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी का एक रूप होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जब भी बिजली चल रही हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। नंबर सिक्स, मैग्नेटिक एनर्जी। अब जैसे दो चार्ज पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में एनर्जी लगती है, पोटेंशियल एनर्जी का वो रूप है। ऐसे ही दो मैग्नेट्स के बीच में भी एनर्जी लग सकती है। जैसे मान लीजिए दोनों मैग्नेट एक दूसरे को धक्का मार रही हो तो भी कुछ एनर्जी के साथ ही होगा ना, फोर्स होगा उसमें। जहाँ भी फोर्स होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो इन्वॉल्व होगी ही होगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ही एक रूप है, मैग्नेटिक एनर्जी। दरअसल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जीज ये जो दो हैं इन दोनों में कोई बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ मानी जा सकती हैं। क्योंकि मॉडर्न साइंस ये जानती है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक ये एक्चुअली दोनों इफेक्ट्स एक ही चीज़ हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम कंबाइन करके बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नंबर सेवन, लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। तो जहाँ भी रोशनी हो या कोई भी दूसरी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव हो, हिंदी में इसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो जहाँ भी कोई रोशनी हो या कोई भी किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो तो ऐसे में हम बोलते हैं कि वो लाइट एनर्जी है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी से मिलकर बनी हुई है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों एनर्जी का मिक्सचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कई तरह की होती हैं, कुल मिला के 7 टाइप्स हैं, जैसे एक्सरे, गामा, रेडियो। ये हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको इस चैप्टर में लेके जाऊंगा, वेव्स एंड साउंड। यहाँ पे हम ईएम वेव्स का हल्का फुल्का आइडिया लेंगे और ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पढ़ेंगे जब ईएम वेव्स का प्रॉपर चैप्टर आएगा। लेकिन अभी तक ये मान लो कि वो चाहे विजिबल लाइट हो, दृष्टव्य प्रकाश, चाहे इनविजिबल लाइट हो जैसे इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, सारी की सारी वो लाइट एनर्जी ही मानी जाएंगी। उसके बाद नंबर आठ है न्यूक्लियर एनर्जी, हिंदी में हम इसे बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी।
इसे हम मास एनर्जी भी कह सकते हैं, इसी को मास एनर्जी बोल सकते हो। तो मास भी एक तरह की एनर्जी है। मास को डिस्ट्रॉय करके जो एनर्जी निकलेगी वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाएगी। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर, कभी भी अगर आपके सामने ये शब्द आ जाए न्यूक्लियर रिएक्टर, या सूरज, या फिर एटम बॉम्ब, या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब, या फिर कुछ इस तरह के शब्द हों, बोले कोई फिशन, फ्यूजन, ऐसे वर्ड्स जहाँ भी आपके सामने आ जाए समझ जाना कि वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी इन्वॉल्व है। नंबर 9, सोलर एनर्जी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं सौर ऊर्जा। सूरज से जो एनर्जी मिलती है उसे सोलर एनर्जी बोलते हैं, और इस सोलर एनर्जी का प्राइम सोर्स खुद न्यूक्लियर एनर्जी है, जो हमने ऊपर यहाँ पढ़ा था। न्यूक्लियर एनर्जी ही सूरज को एनर्जी देती है, और वो जो सूरज से फिर एनर्जी निकलेगी उसे सोलर एनर्जी बोलेंगे। इसका मतलब न्यूक्लियर के बिना सोलर एनर्जी पॉसिबल नहीं है। अब हम तक जब ये पहुंचती है पृथ्वी तक, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में पहुंचती है, कि वो लाइट हो, फिर विजिबल लाइट, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, गामा, वो जो भी वेव्स आएंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में हम तक पहुंचती हैं। उसके बाद है नंबर 10, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हिंदी में हम इसे बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा किसी सिस्टम के अंदर छुपी हुई वो एनर्जी, किसी भी वस्तु के अंदर छुपी हुई वो एनर्जी जिससे उसका टेम्परेचर डिसाइड होता है कि वो चीज़ गर्म है या ठंडी है, तो वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अब किसी ऑब्जेक्ट में जितनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगी उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी अगर उसकी कम होगी तो उसका टेम्परेचर कम बढ़ेगा, या उसका कम टेम्परेचर होगा। उसके बाद है नंबर 11, हीट एनर्जी। हिंदी में ऊष्मा। इसे हम थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं, यही थर्मल एनर्जी कहलाती है। ये वो एनर्जी है जो एक सिस्टम से निकल के किसी दूसरे सिस्टम में घुस जाए, तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है, इंटरनल एनर्जी एक की कम होगी दूसरे की ज़्यादा होगी, तो जो एक्सचेंज हुआ है वो कहलाती है हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी जब भी चलेगी किसी ना किसी की इंटरनल एनर्जी को चेंज करके जा सकती है। तो ध्यान रखना, हीट एनर्जी में और इंटरनल एनर्जी में कन्फ्यूज़ मत होना भी। हीट एनर्जी वो है जो फ्लो हो रही है, इंटरनल एनर्जी वो है जो सिस्टम के अंदर है। टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी से बनता है, ना कि हीट एनर्जी से। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक गिलास पानी है, इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। ये मेरे पास एक दूसरा गिलास पानी है, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। और इसके 70 डिग्री सेल्सियस में मान लो 140 जूल एनर्जी है, 20 डिग्री सेल्सियस वाले में मान लीजिए सिर्फ 40 जूल एनर्जी है। अब यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफ़र होगी, तो ये 140 की बजाय मान लीजिए सिर्फ 120 जूल रह गया, 20 जूल पास हो गया, ये 20 की बजाय 60 जूल हो गया, तो इसका टेम्परेचर गिरकर 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये जो 120 है ये अब इसकी इंटरनल एनर्जी है, ये जो 60 है ये अब इसकी इंटरनल एनर्जी है, और ये जो 20 जो ट्रांसफ़र हुई वो हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी वो होती है जो ट्रांसफ़र हो रही होती है, जबकि इंटरनल वो होती है जो फिलहाल उसका टेम्परेचर डिसाइड करने में हेल्प कर रही है। फिर उसके बाद एक हमारे पास एनर्जी है द बॉन्ड एनर्जी। नंबर 12, बॉन्ड एनर्जी। किसी केमिकल बॉन्ड के टूटने में या बनने में जो एनर्जी एक्सचेंज होती है उसे बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। टेक्निकली बोले तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का ही एक रूप होता है और कुछ नहीं। नंबर 13, केमिकल एनर्जी। अब ऐसे करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों बॉन्ड्स बन रहे हो और टूट रहे हो, तो केमिकल के उस बीकर में कुछ एनर्जी घुस रही होगी, कुछ एनर्जी निकल रही होगी। वो जो अब एनर्जी एक्सचेंज होगा केमिकल रिएक्शन होने की वजह से, उसे हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। ये एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी का ही एक रूप है, लेकिन लार्ज स्केल पर है। तो किन्हीं दो केमिकल्स के मिलने से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन से बनती है। जैसे कोयला जलाते समय कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं,
तो कार्बन और ऑक्सीजन, उसके बाद फिर आपको मिलता है CO2। तो ऐसे में जो केमिकल एनर्जी है वही हीट बनकर बाहर निकली है। ऐसे ही बैटरीज, ये मान लीजिए सेल है आपके पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बैटरीज के अंदर एसिड और मेटल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन हो, उसके बाद चाहे हीट बने, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बने, वो कैसी भी बने, वो किसी ना किसी तरह की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, वो केमिकल एनर्जी से निकलती है। नंबर 4, मस्कुलर एनर्जी। आपकी मांसपेशियों में जो ऊर्जा है, मस्कुलर एनर्जी है, वो है। ये एक्चुअली केमिकल एनर्जी का ही टाइप है, क्योंकि हमारे मांसपेशियों में जो एनर्जी आती है वो आती है ATP से, और वो एक केमिकल है। वो अपने फॉस्फेट ग्रुप को निकालता है और साथ में उसमें से एनर्जी भी निकलती है। तो जब ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, तो आपको एनर्जी देगा। तो केमिकल एनर्जी का ही टाइप होगा। जब तक ATP अवेलेबल होंगे, तब तक मसल्स को एनर्जी का सोर्स अवेलेबल रहेगा। अब ये जो हमने इतनी सारी टाइप्स पढ़ी, इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो 2007 में SSC ने क्वेश्चन पूछा था, बोलता है कि एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल, कोयले से जो एनर्जी निकलती है वो कौन सी होती है। पहला ऑप्शन लाइट एनर्जी, कमर्शियल पर्पज़ के लिए कोयले से लाइट तो नहीं, रोशनी के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, कोयला जलाएंगे तो काइनेटिक थोड़ी निकलेगी, कुछ चीज़ भागेगी नहीं वहाँ से। थर्ड थर्मल एनर्जी, ये अपना आंसर है, कोयला जलाने से हीट पैदा की जाती है। फोर्थ ऑप्शन था पोटेंशियल एनर्जी, और ये गलत है, हम किसी चीज़ को वहाँ पे स्प्रिंग वगैरह नहीं लगा रहे हैं कोयला जला के। फिर एक क्वेश्चन आया था 2008 में, बोलता है कि जो फोटो सेल होते हैं, फोटो सेल वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उन्होंने वैसे क्वेश्चन में दे दिया था कि वो लाइट एनर्जी को, और अब आगे क्वेश्चन मार्क था किस एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोटो सेल होता क्या है, PHOTO, फोटो सेल। ये भाई सोलर सेल होता है एक तरह से, ऐसे मान लो कि आपके कैलकुलेटर में छोटा सा सोलर सेल है, वो लाइट से चार्ज होगा, तो वो लाइट एनर्जी तो ले रहा है और बदले में आपको बिजली दे रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ये अपना आंसर। हमेशा ये देखना कि जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसको किस इनपुट की ज़रूरत होती है और वो कौन सा इंटेंडेड आउटपुट देता है। इंटेंडेड आउटपुट का मतलब ये है कि आउटपुट कई टाइप के हो सकते हैं, उसमें हीट भी निकले, साउंड भी निकले, बिजली भी निकले, कई चीज़ निकल सकती हैं, लेकिन हम कौन सी चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लो, जैसे बल्ब है, तो पूछेगा कि बल्ब को चाहिए क्या, तो हम कहेंगे उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी द इनपुट। बाहर क्या देगा, अब वो दो चीज़ें देगा, वो हीट भी पैदा करता है, वो लाइट भी पैदा करता है, और ज़्यादातर वो हीट पैदा करता है, 60% ऑफ एनर्जी वो हीट में चली जाती है, 40% रोशनी देता है। हम टिक किस पे मारेंगे, लाइट पे। लाइट कम है परसेंटेज में, हीट ज़्यादा है, फिर भी हम टिक लाइट पे ही मारेंगे, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये है, इंटेंडेड आउटपुट जो है ना उसी पे टिक करना। अब जैसे आपने मान लीजिए मोटर चला रखी है, तो कोई मोटर चली, उसको चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट में वो मोटर दो चीज़ें देगी, एक तो वो घूम रही है तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, ऊपर से मोटर गर्म भी हो रही है, हीट भी दे रही है, ऊपर से मोटर से कुछ आवाज़ भी आती है, साउंड भी दे रही है। हम टिक सिर्फ इस पे मारेंगे क्योंकि ये इंटेंडेड है, इन पे टिक नहीं मारेंगे क्योंकि इंटेंशनल नहीं है, मतलब हम नहीं चाहते कि ये पैदा हो। फिर और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 2009 में SSC ने क्वेश्चन पूछा था कि फिर फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, तो ऑप्शंस में था ये कि वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर एक क्वेश्चन आया था 2011 में, बोलता है कि डायरेक्ट कन्वर्ट करना है सोलर एनर्जी को, फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट करते हैं किस में, वो फिर वही है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये फोटो सेल वाला तो बार बार रिपीट कर रहे हैं वो। फिर 2011 में एक बार CISF में ऐसे क्वेश्चन पूछा था, बोलते हैं कि डायनेमो क्या करती है, तो हमें देखना यह है कि इनपुट क्या आउटपुट क्या है। डायनेमो का इनपुट है कि तुम्हें उसे घुमाना पड़ेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, और आउटपुट क्या है, वो बिजली बनाने के लिए काम करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी वो आउटपुट देता है। तो हमारा आंसर है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन में नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी होगा ऑप्शन में, क्योंकि काइनेटिक मैकेनिकल का ही टाइप है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये पता है कि वो इंस्ट्रूमेंट करता क्या है, तो आप उसका इनपुट और आउटपुट देख लेना बस, और टिक मार देना, उससे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। इसी तरह से फिर ये टॉपिक ख़त्म, इसी के साथ वर्क पावर एनर्जी का पूरा चैप्टर ख़त्म। अब हम शुरू करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।
ये अपना अगला चैप्टर होगा। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक होंगे उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस कम है, तो अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहो तो भाई छोड़ दो ये चैप्टर, लेकिन चूंकि दो तीन बार यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने हैं पास्ट में भी एसएससी में, इसलिए मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, अदरवाइज इससे क्वेश्चन आने के चांस कम है। और आप चाहो तो सीधा डायरेक्ट अगले चैप्टर ग्रेविटेशन पे जंप कर सकते हैं।